गुड मॉर्निंग। आज सभी स्टूडेंट्स को आज हम आप लोगों को बताएंगे वॉयस के बारे में। वॉयस किसे कहते हैं इसके बारे में बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है और आपको परिभाषित करने के लिए बताते हैं। वॉयस, कोई पूछेगा वॉयस का मतलब होता क्या है। आजकल आदमी सब कहता है, फ़ोन पे भी कहता है, आपका वॉयस नहीं आ रहा। वॉयस का मतलब होता है आवाज़। आवाज़ की वॉयस कहते किसे हैं, आज इसके बारे में लोग जानते हैं। देखिए, वॉयस किसे कहते हैं इसका परिभाषा है, वॉयस किसी वाक में प्रयुक्त भर्व का वह रूप है जो यह दिखाता है कि कर्ता कुछ करता है, कर्ता कुछ करता है, स्वयं कर्ता पर ही कुछ घटित होता है। सुनिए, यानी कहा वॉयस किसी वाक में, वॉयस किसी वाक में प्रयुक्त भर्व का वह रूप जो यह दिखाता है कि कर्ता कुछ कर रहा है और स्वयं कर्ता पर कुछ घटित होता है, उसी को वॉयस कहते हैं। कितना आसान से बताया हुआ है, जो कर्ता कुछ कर रहा है उसी के लिए कुछ घटित होता है, वो मेरा क्या कहला गया, वॉयस कहते हैं। वॉयस के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक्टिव वॉयस और पेसिव वॉयस। आपको सर जी एक्टिव पेसिव होता क्या है, तो देखिए कितना आसान से दिया हुआ है। एक्टिव वॉयस किसे कहते हैं, यदि किसी वाक का कर्ता क्रिया का संपादन है, यदि किसी वाक का कर्ता क्रिया का संपादन है तो उस वाक को ही एक्टिव वॉयस कहते हैं। यानी किसी वाक का कर्ता या क्रिया संपादन का जो बोध करवाता है वही मेरा एक्टिव वॉयस हो गया। जैसे राम पढ़ाता है तो राम टीचेज, राम पढ़ा रहा है ना, तो ये एक्टिव हो गया। उस कैसे हो गया, क्योंकि राम पढ़ाता, राम के द्वारा काम हो रहा है, वो हो गया राम पढ़ाता, वो एक्टिव वॉयस हो गया। उसमें पेसिव वॉयस किसे कहते हैं, कहिए सर। यदि किसी वाक का कर्ता सक्रिय नहीं है तो क्रिया का संपादन नहीं करता है, उस क्रिया को पेसिव वॉयस कहते हैं। देखिए इसमें कहता है राम पढ़ाता है, राम टीचेज, यहाँ देखिए राम को पढ़ाया जाता है, राम को पढ़ाया जाता है, राम इंस्ट्रक्ट। आपको समझ में आ गया कि राम पढ़ाता है तो राम के द्वारा काम कर रहा है, या राम को पढ़ाया जाता है तो राम पर काम करवा रहा है, तो आपको समझ में आ गया एक्टिव और पेसिव। चलिए इसी तरह आप बने रहिए, अगले आपको हम बनाने की ट्रिक बताएंगे। चलिए रहने दीजिए।